खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के आयोजन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के चार अहम महानगरों में खेलो इंडिया का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया धारणा को बदलने का प्रतीक है और जनपद स्तर पर खिलाड़ियों की एक लंबी टीम खड़ी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म के जितने भी साधन हैं वो स्वस्थ शरीर से ही संभव हैं और यूपी ने हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। मित्रों, आप सबने पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखा होगा। भारत के बारे में दुनिया की धारणा को बदलते हुए भी देखा है और भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास भी आप सबने महसूस किया होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी उसी धारणा को बदलने और उस विश्वास का एक नया प्रतीक है। कितना परिवर्तन हुआ है। एक दशक पहले खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणा नहीं हुआ करती थी। सामान्यतः लोग ये मान लेते थे कि खेल एक अनावश्यक कार्य है, समय बर्बादी की बात करते थे। लेकिन आज इसके बारे में लोगों की धारणा बदली है। परिवार के लोग मिलकर के बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं और ऐसा नहीं कि भारत खेल या खिलाड़ियों के प्रति कभी कोई नकारात्मक दृष्टि रखता हो। भारतीय मनीषा ने तो हमेशा इस बात को कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग और स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिसमें खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने का काम किया जाता है। कि जो एक सपना, एक सोच, एक संकल्प लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान को लॉन्च किया था, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 5 वर्षों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये बनकर तैयार हुआ है कि जहां खिलाड़ियों को तलाशने का काम किया जाता है और फिर उनको तराशने का काम भी किया जाता है। और मैं कह सकता हूं पिछले कई वर्षों में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने खेलो इंडिया के पटल पर, इस मंच पर आकर अपनी प्रतिभा को दिखाया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेकर बाकी सब ने अगर उन खिलाड़ियों को पकड़कर आगे ट्रेनिंग देने का काम किया तो वही खिलाड़ी हमारे कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर ओलंपिक्स तक गए और देश के लिए मेडल जीतने का काम भी उन्हीं खिलाड़ियों ने किया है। और आज मैं कह सकता हूं अगर तीसरा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं पर होने जा रहा है और आज तक का सबसे बड़ा आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी प्रदेश है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी प्रदेश है। ये देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और आने वाले समय में देश को सबसे ज्यादा मेडल देने वालों में से भी हमारा ये प्रदेश खड़ा होगा।